जहां इस लॉकडाउन में कभी कोई सोच नहीं सकता कि वो वीडियो कैसे शूट करे, वहां पवन सिंह एक पूरा गाना शूट कर रहे हैं। जी हां, आपको तो पता ही होगा मीठा मीठा बातें कमरिया को YouTube पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग इस गाने को बहुत पसंद कर रहे हैं, साथ ही साथ इस गाने को TikTok पर भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इन सारे रिस्पांस को देखते हुए पवन सिंह ने ये तय किया कि उनके नए घर जो उन्होंने आरा में बनवाया है, अपने नए घर जाकर उसमें वो शूटिंग करेंगे इस गाने की। जी हाँ, जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं ये पवन सिंह के घर की ही पिक्चर्स है जिसमें ये पूरा गाना शूट होगा। और आप जब ये गाना शूट हो जाएगा और जब आप इस गाने को देखेंगे तो आप ओरिजिनल में पवन सिंह का घर भी देखेंगे। जी हाँ, जो नया घर उन्होंने बनवाया है उसे भी देखेंगे। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि पवन सिंह की एक फ़ोटो भी वहां लगी हुई है और ये पवन सिंह के लिविंग एरिया में शूटिंग हो रही है। तो आप इस गाने के बहाने पवन सिंह के गाने तो देखेंगे ही, पिक्चराइजेशन तो देखेंगे ही, साथ ही साथ उनका घर भी देखेंगे। क्योंकि तो आपको पता ही है कि आरा के अपने इस नए घर में पवन सिंह ने स्टूडियो भी बना रखा है, इसलिए यहाँ डबिंग और सॉन्ग रिकॉर्डिंग भी पवन कर लेते हैं। तो कुल मिलाजुला कर बस इस गाने की एडिटिंग बाकी है, क्योंकि गाना कंप्लीट हो चुका है और जैसे ही एडिटिंग हो जाएगी पवन सिंह अपने इस गाने को रिलीज कर देंगे। और इस गाने का इंतज़ार सभी कर रहे हैं क्योंकि इस गाने को देखने के लिए सभी बेकरार हैं। इस गाने की डिमांड भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो दर्शकों के डिमांड पर ही पवन सिंह ने ये गाना शूट किया है। और कहा जा रहा है कि पवन सिंह ऐसे कई और गाने अपने इस नए घर में शूट करेंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।